जय महाकाल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई का जो महीना है वो शुरू हो गया है और इस सीज़न में काफ़ी बारिश होती है। अभी मॉनसून भी चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये पौधों की कटिंग होती है वो किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ कटिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ और कुछ प्लांट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने कटिंग से लगाया है। तो जुलाई अगस्त इस महीने में आप बहुत सारे पौधे की कटिंग लगा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मैंने कुछ एक्सचेंज भी किया है, तो और कुछ खरीदने वाली भी हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप कौन कौन से प्लांट खरीद सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप क्या कटिंग से लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू। फ्रेंड्स, तो ये सदाबहार का पौधा है और इसे आप कटिंग से ज़रूर लगा सकते हैं। ये हमारा एरो हेड है, ये चांदनी का पौधा है फ्रेंड्स, ये सेंचुरी प्लांट है। 12 साल में इसमें एक बार फूल आता है, उसके बाद ये प्लांट डेड हो जाता है। ये थुअर का प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है, इसको आप लगा सकते हैं। ये वाइट वाला सदाबहार है, जैसा कि आपको पता है डायबिटीज़ में इसका इलाज होता है, इसके पत्ते और फूल का यूज़ होता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। मैंने ज़मीन में लगा रखा है। ये फ्रेंड्स चंपा का पौधा है, तो इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है और ज़मीन में लगा रखा है। ये फ्रेंड्स स्नेक प्लांट है, जो नासा ने भी प्रूफ किया है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो आप इसे अपने इंडोर प्लांट कलेक्शन में रख सकते हैं। ये हमारा स्पाइडर प्लांट है, आप अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो इसको अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे ज़रूर रखें। और फ्रेंड्स देख सकते हैं चूहे ने मेरे मनी प्लांट का क्या हाल किया है, पूरी मिट्टी बाहर निकाल दी है। तो मैं आपको अपना मनी प्लांट दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा मनी प्लांट है। इसको मैंने ट्रिम किया था, काफ़ी घना हो गया था, तो और साइड से मैंने इस तरह से यहाँ भी फैला रखा है। ये जो मेरा मनी प्लांट है काफ़ी पुराना है और मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था, और ये आप देख सकते हैं 7 फीट का हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कटिंग से भी मनी प्लांट रखा है और इसके रूट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है इसका रूट्स। और मैं प्लांटर दिखाना चाहूँगी, कितना छोटा सा प्लांटर है, पानी में मैंने इसकी कटिंग को लगा रखा है। और ये डव शैम्पू के बॉटल से मैंने बनाया था, तो बहुत ही छोटा सा प्लांटर है ये। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं मनी प्लांट। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो अनानास का ऊपर का जो भाग होता है जिसे वो काट के फेंक देते हैं जो भी इसको बेचते हैं, तो मैंने 10 रुपये का अनानास लिया था और ये मैंने इस तरह से उनसे मांग लिया था। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी में रखा था और इसके रूट देख सकते हैं आप थोड़े थोड़े डेवलप हो गए हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने इसको इसीलिए यहाँ लिया है और 4-5 मैंने यहाँ एक में डाल रखा है, और जब ये रूट थोड़ा और डेवलप हो जाएगा तो मैं इसको फिर मिट्टी में लगा दूँगी। तो मैं आपको उसका फ़ोटो ज़रूर दिखाऊँगी, और देखने में काफ़ी ये खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। तो इसको भी आप कटिंग से इस तरह से लगा सकते हैं इस टाइम में। दूसरा आप ये देख सकते हैं डेजर्ट रोज, जो अडेनियम है, तो मैंने इसको दिखाया था आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल लगे हुए, तो सारे फूल जो है सूख गए हैं और धीरे धीरे इसमें सीड्स भी बनने वाले हैं। तो अभी देख सकते हैं कितना ये फैला हुआ है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से 4-5 पार्ट में पूरा फैला हुआ है, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, मैं इसकी कटिंग नहीं लगाऊंगी क्योंकि डायरेक्ट इसमें कभी ये है ही, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। अगर आपके पास इसका बड़ा पौधा है तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं जेट प्लांट है, तो मेरे पास एक बड़ा सा है, तो इसमें उसकी कुछ कटिंग मैंने लगाई है और ये अच्छे तरीके से बढ़ भी रहा है, ग्रो भी कर रहा है। ये एक आप देख सकते हैं रोहियो है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास फूल वाले पौधे नहीं हैं तो इसे भी आप इंडोर या आउटडोर रख सकते हैं, ये आउटडोर ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका कलर जो है बरकरार रहता है। अगर आप इसे इंडोर लगाते हैं तो थोड़ा ये जो पर्पल कलर है वो धीरे धीरे ग्रीन होने लगता है, तो इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अभी बारिश के टाइम में आप लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसे एक लगाया था, और देख रहे हैं ये इस तरह के पत्ते आपको हटा देने हैं जो सड़े हुए टाइप में पत्ते हैं। तो आप देख सकते हैं एक पौधे से ये कितना ज़्यादा हुआ, कम से कम 5-6 इसमें जो है रोहियो जो है ये फैल चुके हैं, तो इसका नाम रोहियो है, इसको भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स एक इसी टाइप से ये भी है, इसको जेबरीना बोलते हैं, इसके और भी बहुत सारे नाम है, तो ये भी पर्पल और थोड़ा ग्रीन कलर में होता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग मुझे मिली थी रोड साइड, तो मैंने वहाँ से लिया है, तो आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा ग्रो हो गया है और 2-3 दिन इसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं, और एक मैंने इंडोर में रखा हुआ है, एक ऐसे मैंने छत पर रखा हुआ है, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं ये जो दिया है दिवाली में, इसका हम यूज़ करते हैं पूजा के टाइम, तो इस दिए में मैंने ये एक्स्ट्रा कटिंग रखी हुई है अपनी, जो हम इसे 10 o'clock बोलते हैं, 9 o'clock, तो इसकी कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर रखा हुआ है,
क्योंकि मैंने सोचा इसको फेंकूँ ना, इसको यूज़ कर लूँ। तो अभी बारिश के टाइम में आप इसका कटिंग भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपराजिता है जैसा कि आपको पता है, तो इसके भी सीड्स लगा सकते हैं, या कोई इस तरह से मिल जाती है आपको, इस तरह से भी अगर आपको मिल जाए तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये भी इजी लग जाता है, सीड से भी लग जाता है, और इस तरह से इतनी मोटी कटिंग आपको मिलती है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये भी इसका सीज़न है, अभी दिसंबर नवंबर दिसंबर तक इसका सीज़न रहेगा, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ कटिंग मैंने इसमें रखी हुई है, तो फ्रेंड्स 3 कटिंग मैंने इसमें लगाई है। आप ये देख सकते हैं, जो पीला वाला कनेर होता है उसका ये है, तो मैंने इसको पत्ते के साथ इस तरह से लगाया है। और ये आप देख सकते हैं स्लीपिंग हिबिस्कस है, तो इसको मैंने कटिंग किया था तो इसको यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा क्रिसमस ट्री का भी एक है, तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ भी लगा रखा है, मैंने तीनों को एक साथ रखा हुआ है। और आप इस तरह से अगर पानी में कटिंग लगाते हैं तो आप एक ट्रांसपेरेंट इस तरह से डब्बे या किसी ग्लास का यूज़ कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये जो कटिंग है वो आपकी ख़राब तो नहीं हो रही है। और 1 से 2 दिन में, 2 या 3 दिन में इसकी पानी जो है चेंज करते रहें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोगनवेलिया की कटिंग लगाई है। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक डाल ले ले, उसे काट के 45 डिग्री के एंगल में इस तरह से ऊपर और नीचे, और इस तरह से मिट्टी में या पानी में लगा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, ये भी मैंने यूज़ किया है कुछ बार और सक्सेस रहा है। 20-30% चांसेस होते हैं सक्सेस होने का, कि इस तरह से पत्तों के साथ ही कटिंग इस तरह से आप लगा दें तो कुछ चांसेस रहते हैं कि सक्सेस हो जाते हैं। तो मैंने रिस्क लिया है, ट्राई किया है, और जब ये सक्सेस होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें और भी मैं प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से कटिंग है जो जुलाई अगस्त में लगाने हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।